हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। आज के सेशन का टॉपिक है बजट। बजट हम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पूरा पूरा डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी में अगर जॉब कर रहे हो तो आपको बजट बनाना पड़ता है, क्योंकि बजट कैसे बनता है, देखो एक बनता है ईयरली, एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है थ्री मंथली, यानी तीन मंथ का भी बनता है, और एक एक मंथ का भी होता है, सिंगल सिंगल मंथ का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयरली बोलते हैं, क्वार्टरली और थ्री मंथली भी बोलते हैं, और मंथली भी बनाते हैं। मान लो अगर काम कर रहे हो आप चाहते हो कि अगले मंथ का एक बजट बना दिया जाए, अभी जितना एक्सपेंस हुआ है अगले मंथ कितना एक्सपेंस हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा खर्च करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बजट शुरू करने से पहले कुछ बता देना कि बजट हम क्यों बनाते हैं। बजट जब हम बना लेते हैं तो हमारे काम को बहुत आसान कर देता है, चाहे बिजनेस हो चाहे घर हो, बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास कितना हो पैसा हो, अगर बजट सही नहीं है तो पैसा ज़्यादा भी होगा तो भी खर्च हो जाता है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें करना क्या है, अकाउंट इन्फो पर जाएंगे और लेजर जाते हैं, कुछ चीज़ें हमें बनानी है। जैसे हमने हम गए मल्टीपल लेजर पर, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ऑल आइटम सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम बनाएंगे हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें सेट करना है। पहले बनाएंगे हम वेजेस, और वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, कि अगर वेजेस होगा कंपनी में मान लो अगले मंथ का तो कितना हो सकता है, एक नियर अबाउट अमाउंट रखेंगे हम। इसको वेजेस रख लिया। इसके बाद हम रखेंगे एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करते हो आप। ठीक है, इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बाद क्या होगा, सैलरी पे कितना खर्च करना है, ऑफिस में उतने स्टाफ रखे हैं। ठीक है, तो सैलरी पे कितना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे क्या करना है, सैलरी के बाद और बना लो आप, देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करनी पड़ेगी ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद कुछ और चीज़ें जैसे रेंट होगा, रेंट वगैरह भी पे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ज़रूरत होगा वैसे हम बनाएंगे। इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस भी बनाएंगे, एक कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वो समझना हमें। ठीक है, इंश्योरेंस क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगले मंथ का क्या बनाना है, परचेस करना है। ठीक है, तो परचेस में कितना खर्च करना है हमें, जो माल मंगाना है ठीक है उसको रखना है, तो परचेस का आप रख लो परचेस अकाउंट। समझ में आया। ठीक है, इसके साथ ही और भी कोई एक्सपेंस होगा कंपनी का तो वो आप यहाँ पे रख लो, कि अगले मंथ में इतने मेरे पास मान लो 7 आइटम है, 7 में ही खर्च करनी है। समझ में आया। ठीक है, तो इसको सेव कर लो। पहले सेव करने के बाद बैग जाओ, बैग गए, अब आप अकाउंटिंग वाउचर में जाओ, पैसा रख लो, क्योंकि हमारे पास नया कंपनी था तो हमें F6 करना पड़ेगा। F6 करने के बाद यहाँ पे क्या करो, एक कैपिटल बनाना पड़ेगा, अमाउंट रख लो, बनाया हमने कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का कैपिटल रख दो, और यहाँ पे सेट कर लो कि मेरे पास पैसा कितना है। यहाँ पे मान लो एक बजट हम बना रहे हैं कि अगले मंथ 10 लाख रुपए खर्च हो सकता है। ठीक है, तो बना लो आराम से, ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे आप कर दे कैश, सेव कर लो, यहाँ लिख दो बिग बिजनेस अमाउंट, सेव करो। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो अब हमने जो बनाया है उसको देखना भी तो पड़ेगा, कहाँ से बनाना है, हमें जाना होगा अकाउंटिंग इन्फो, और यहाँ बजट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ बजट नहीं दिख रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रेस करना होगा F11 और F1। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, F11 F1 करना होगा, और यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा हमें, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। ठीक है, तो इसको हमें यस नहीं करना है, इसको ऊपर जो लिखा हुआ है हमें उसको यस करना है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, इसको यस करो, इसको सेव कर लो सीधा सीधा। ठीक है, सेव करने के बाद देखो यहाँ पे एक फीचर जुड़ जाएगा, अकाउंटिंग इन्फो पर जाओ। एक चीज़ ख्याल रखो, जब भी काम करो ना तो नीचे देख लिया करो, ये प्रोसेस दिख रहा है आपको, ये जो नीचे प्रोसेस दिख रहा है ये वाला, ये इस स्टेप देख लिया करो कि किस स्टेप में हम गए, कहाँ पर काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, आपको बता देगा कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा चीज़, हम बजट पे जाएंगे और हमने बजट पे क्लिक किया, ये हमारे पास बजट है, एंटर किया,
क्रिएट करेंगे। यहाँ पूछ रहा है क्या, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या बनाना चाहते हैं आप, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। और ऑफिस एक्सपेंसेस लिखने के बाद इसको सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो पूछ रहेगा डेट कि आप क्या बनाना चाहते हो, एक महीने का, ठीक है। तो कंपनी का डेट जो भी है उसके अकॉर्डिंग काम करो, 1/4, तो यहाँ पे बनाएंगे हम 1/5/2018, एक महीने का मेरा टारगेट है, इसको यस करो। और यहाँ पूछेगा क्या कि आप जो बनाना चाहते हैं, ठीक है, अकाउंट ग्रुप रख करके पूरा पूरा सेट कर लो। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे पास कितना था 10 लाख रुपये, क्लोजिंग बैलेंस रखना है, और आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कितना खर्च करना है वो डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस। और हम चाहते हैं कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मान लो सैलरी था, इंश्योरेंस था, वो सब का कंट्रोल लेकर के टोटल जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने वाला है आपके यहाँ से 5 लाख रुपये होने वाला है, ठीक है ना। और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना का होगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपने दे दिया, एंटर करो क्लोजिंग बैलेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो सकता है, ये अगले महीने का टारगेट हो सकता है 50,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, परचेस करना है कि नहीं, तो परचेस का भी अमाउंट डालिएगा, क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना बचा हुआ है, अभी हमारे पास बचा है अमाउंट, देखो ख्याल रखा करो, इसमें हम कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको समझना है तो कंट्रोल एल कर लो सीधा सीधा, ठीक है, बड़ा अमाउंट है। तो हम यहाँ सेट करते हैं कि परचेस हमें करना है 3 लाख रुपए का, इसको सेव कर लिया, इसको यस करो। और अब यहाँ पूछेगा कि पहला सेटिंग हमने कर दिया, अब दूसरी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। पहले सेटिंग में हमने सेट कर दिया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इतना इतना खर्च करना है, और डायरेक्ट में कितना खर्च करना है, ठीक है, और परचेज का कितना सामान खरीदना है, अगले महीने का ये पूरा पूरा टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब सेट करोगे कि एडवर्टाइजमेंट पर ये आपके खर्च हैं, कि इस पर आप कितना कितना खर्च करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे एडवर्टाइजमेंट है तो आप कहते हो कि साहब एडवर्टाइजमेंट मुझे इतना इतना खर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने सेव किया, ये आपके पास था पूरा पूरा एडवर्टाइजमेंट 2500 खर्च करने वाले हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है 12,000, इंश्योरेंस पे 2700 खर्च करोगे, रेंट पे 8,000, सैलरी पे खर्च करना है 2,20,000 रुपये, और वेजेस पे खर्च करना है 5,000 रुपये। सेव करो इसको, सेव करने के बाद बैक जाओ, और इस चीज़ को देखना चाहते हो तो आप डिस्प्ले पे जाओ, और डिस्प्ले पे जाकर के ट्रायल बैलेंस पे जाइएगा, यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा अल्ट के साथ बी, और ऑफिस बजट को सेलेक्ट करो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा पूरा पूरा अमाउंट, ठीक है। आप F5 प्रेस करो तो आपको पूरा डिटेल वाइज दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस यानी इतना आपके पास अमाउंट पड़ा हुआ है, जब हम खर्च कर देंगे तो यहाँ पर भी शो करेगा, ठीक है, कितना बचा कितना कम हुआ वो चीज़ें आप पूरा पूरा डिटेल देख पाओगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पहले क्या करते हैं, हमारे पास क्या करना है, हम जाएंगे सीधा सा F5 प्रेस करेंगे, F5 प्रेस किया, और एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करना है, देखो हमने सेट किया ना, एक निर्धारित किया कि 2500 रुपये खर्च करना है, तो मान लो इस बार खर्च हुआ है 1500 रुपये केवल, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, डेबिट करो, डी प्रेस कर दोगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना, 14,000 था सेट, तो 14,000 कर दो सीधा सा, ठीक है। इसके बाद डी प्रेस करो, इसको देखो डेबिट बनाना बहुत आसान है। इंश्योरेंस 2700 रुपये सीधा सा पे कर दो, और इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद सैलरी देखो 2,20,000 रखे हो ना, तो आपने पे किया 2,10,000 रुपये, ठीक है, उसको भी समझना अच्छे से, 2,10,000 रुपये। इसके बाद कुछ और पे किया, हाँ वेजेस पे किया साहब, 5,000 सेट किया था आपने, तो इस बार आपने कई बार पेमेंट करोगे ना, जितनी बार ट्रांजेक्शन होगा उतनी बार पेमेंट करोगे, तो एक बार आपने पे कर दिया था 1500 रुपये, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सेट कर दो इसको कैश, देखो यहाँ पे जो रेड बैलेंस दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि आपके पास बैलेंस नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट, एक जैसे कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, वैसे करेंगे तो हमारे पास बैलेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सेव करो इसको, यहाँ लिखें बीइंग कंपनी एक्सपेंसेस, कंपनी एक्सपेंसेस पेड, सेव करो। देखो ये हो गया, इसके बाद क्या करो, F6 कर लो सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल 10 लाख था, 10 लाख सेट करो यहाँ पे,
यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक सेट हो गया ना जितना कटना था, तो आपके पास अभी बचे कितना 7,70,300 रुपये। ठीक है, सेव करो इसको। इसके बाद क्या करना है, अब बैक जाओ। अब आपको रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले पे जाओगे, जब डिस्प्ले जाने के बाद आप ट्रायल बैलेंस पे जाओ। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेंगी, लेकिन इसके साथ अब क्या करना होगा, अल्ट के साथ बी प्रेस करो और ऑफिस एक्सपेंसेस का बजट चेक करो। अब आपको बजट दिखेगा, लेकिन F5 प्रेस करो। ठीक है, पूरा डिटेल वाइज देखोगे ढंग से। यहाँ पे सेट क्या किया था आपने, 25 रुपये। अभी खर्च कितना किया, 15 रुपये, यानी टोटल कितना 60% खर्च हुआ है। ठीक है, अब देखो 12,000 सेट किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने कितना कर दिया, 1400, यानी 14,000 खर्च कर दिया। ठीक है, बिजली ज़्यादा आ गया तो उसके अकॉर्डिंग समझ लेना। ठीक है ना, ये चीज़ आपको बता दें कि इतना आपने खर्च किया। अब देखो चेक करना चाहते हो इंटर करो, आप पूरा पूरा डिटेल देख सकते हो। ठीक है, कितना खर्च हुआ, कितना बाकी है, कितना क्रेडिट पड़ा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड जाएंगी। एक्स्ट्रा खर्च किया तो एक्स्ट्रा बता देगा। ठीक है, क्योंकि हम जब भी काम करते हैं 100% में काम करेंगे, एक्स्ट्रा खर्च वगैरह होगा तो वो मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आपने जो सेट किया था, और ये ठीक है ना, देखो ये क्या है, ये वाला जो था आपने सेट किया था, और ये वाला क्या है जो एक्सपेंस हुआ। ठीक है, तो क्या एक समझ में आया आपको ये सेशन। ठीक है, अब देखो बैक जाओ और देख लेते क्या आपको ये बजट सेशन समझ में आया। अगर बजट सेशन समझ में आया ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो। ठीक है, और अगर आपको टैली का पूरा पूरा कंप्लीट वर्क सीखना है, तो आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करें, वहाँ पे आपको कंप्लीट मिलेगा टैली का पूरा पूरा वीडियो। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा, अगर कहीं आप जॉब वगैरह करना चाहते हो ना, तो मैं कहता हूँ बेस्ट है ये सेशन आपके लिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।